दोस्तों, फखर जमान ने बना दिया कभी न टूटने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। 81 गेंदों में खेली 126 रनों की नाबाद पारी। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी, बताएंगे सब कुछ इस खास वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी फखर जमान को पाकिस्तान टीम का मैच विनर खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच खेले गए करो या मरो मुकाबले में पाकिस्तान टीम ने 21 रनों से जीत लिया। दरअसल बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर मैच का टॉस जीतकर कप्तान बाबर आजम ने कीवी टीम को बल्लेबाजी दे दी। वहीं कीवी टीम ने अपने पूरे 50 ओवरों में 6 विकेट पर 401 रन बना दिए। वहीं इस बड़े लक्ष्य को बनाकर कीवी टीम शायद ये भूल गई थी कि पाकिस्तान टीम के पास भी एक से बढ़कर एक मैच विनर खिलाड़ी हैं। वहीं हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत करने फखर जमान और अब्दुल्ला सफीक, लेकिन सफीक महज 4 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद फखर जमान का साथ देने आए नंबर 3 पर कप्तान बाबर आजम। दोस्तों, इन दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने मिलकर पाकिस्तान टीम का स्कोर 25 ओवरों में ही 200 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद बारिश आई, फिर बारिश के कारण पाकिस्तान टीम को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 21 रनों से जीत घोषित कर दिया गया। वहीं शानदार साझेदारी में फखर जमान ने 11 छक्के लगाकर वर्ल्ड कप में कभी भी न टूटने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो दोस्तों, फखर जमान की इस जबरदस्त पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर जरूर बताएं।